और तजिया के पूजने के क्रम में उन्होंने क्या संदेश देना चाहते हैं तुष्टिकरण की राजनीति का। अरे आप सनातन हैं, अपने सनातन धर्म का सम्मान करते हुए वीडियो जारी करते, लेकिन ये नौटंकी नहीं होनी चाहिए। तजिया पूजने के नाम पर वोट की राजनीति नहीं करनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद पर हमला करते हुए कहा कि जिस प्रकार राबड़ी देवी ताजिया को पूछती हैं, वो ताजिया पूछकर तुष्टिकरण की राजनीति करना चाह रही हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उन्होंने कहा कि आप सनातन धर्म से आती हैं, सनातन का सम्मान करते वीडियो जारी करती तो गर्व महसूस होता। उन्होंने कहा हर धर्म की सम्मान होनी चाहिए। श्रीमती राबड़ी देवी जी जो तजिया को पूज रहे हैं और तजिया के पूजने के क्रम में उन्होंने क्या संदेश देना चाहते हैं तुष्टिकरण की राजनीति का। अरे आप सनातन हैं, अपने सनातन धर्म का सम्मान करते हुए वीडियो जारी करते तो लोग गर्व महसूस करता है। धर्म निरपेक्षता में हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन ये नौटंकी नहीं होनी चाहिए। तजिया पूजने के नाम पर वोट की राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपने जो VIP बेल्ट है वहां पर तलवार भाला और हथियार लेकर के आवास में लोग पहुंचता है, नृत्य करता है, तांडव करता है, और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान लालू प्रसाद यादव आप क्या कानून का उल्लंघन करके जंगल राज का आभास कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि जिस दिन मेरी सत्ता आ जाएगी उस दिन इससे भी बड़ा तांडव बिहार में मैं कराऊंगा, फिर से नरसंहार कराऊंगा, फिर से जंगल राज लाऊंगा और गरीब को, दलित को, अति पिछड़ा को, कमजोर को, उसकी आवाज को बंद कराऊंगा। अगर आप पिछड़ा की लड़ाई की शुरुआत करूंगा, चौराहे पर बैठे ये नेता यही खेल का भूमिका बना रहे हैं। पूरा बिहार की जनता को आप एक बार ठग चुके हैं जातीय उन्माद पैदा करके। बिहार की जनता जातीय उन्माद में नहीं फंसेगा। बिहार की जनता न्याय के साथ विकास चाहिए, सुशासन चाहिए। तुष्टिकरण की राजनीति का परिणाम आज दरभंगा के अंदर देख चुका है, आज पूर्णिया कटिहार जितने सीमावर्ती जिला है भोग रहा है वहाँ की जनता। वहाँ जाति लोग भूल गया, वहाँ हिंदू के दिल के दर्द, बहु बेटी का इज्जत बचाने के लिए आपस में संगठित होकर के आज हमारे पास शिकायत कर रहा है। कई बार कई जिले में हमने दौरा किया है हिम्मत। ये तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले सत्ता में बैठे लोग बहु बेटी का इज्जत बचा ले। जितनी इज्जत लुटाई है महागठबंधन में अधिकतर दलित, महादलित और अति पिछड़ा के बेटी का। अरे यहाँ तक कि भागलपुर में जिसका प्राइवेट पार्ट काट लिया गया वह जादव समुदाय की बेटी थी, और जो प्राइवेट पार्ट काटा था वह मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय का था। क्यों कोई लीडर देखने नहीं गया था? बिहार को बंगाल और केरला बनाने का ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे। विजय सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के पिछले सरकार में गरीब मजदूर, गरीब वंचित, अति पिछड़ों के माँ बेटियों और बहनों के साथ सबसे ज्यादा दुष्कर्म करने का प्रयास होता रहा था। पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।